गोरखपुर का वर्ल्ड फेमस योगी जिसको अपनी मौत का पूर्वाभास था, गोरखपुर का योगी जो अमेरिका में धूम मचाया, योगी जिससे महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित थे, योगी जिसने अपनी मृत्यु का शानदार तरीका चुना। हेलो, मैं हूँ उपासना, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आज योगा का बहुत योग चल रहा है। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से, और इस मौके पर आज हम आपको बताएंगे उस योगी के बारे में जिसने मॉडर्न वर्ल्ड में योगा पहुंचाया। सबसे पहले, इस योगी का नाम था परमहंस योगानंद। आज भी आपको बेस्ट सेलर वाले सेक्शन में उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी दिख जाएगी। तो मैं आपको 10 बातें बताऊंगी। पहली बात से शुरू करते हैं। 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बचपन का नाम था मुकुंद नाथ घोष। दूसरी बात, बचपन से सुदुकड़ी मिजाज के थे, घर से गुरु खोजने निकल गए। 1910 में मुलाकात हुई स्वामी युक्तेश्वर गिरी से। इनकी आध्यात्मिक यात्रा वहां से चलने की। कुछ दिन बाद गुरु ने बताया कि भगवान ने तुम्हें खास काम के लिए भेजा है। तीसरी बात, 1915 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इंटर पास किया, फिर सीरमपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन। उसके बाद अपने गुरु के पास आ गए फुल छुट्टी लेकर, योग और मेडिटेशन की ट्रेनिंग ली। चौथी बात, 1917 देह का पश्चिम बंगाल में एक स्कूल खोला। वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ योग और मेडिटेशन की पढ़ाई होती थी। एक साल बाद ये स्कूल रांची शिफ्ट हो गया था। अगली बात ये कि 1920 में अमेरिका गए, वहाँ बॉस्टन में धार्मिक बुद्धिजीवी की हैसियत से हिस्सा लिया। तभी वहाँ एक संस्था शुरू की सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के नाम से, जिसमें वही योग और ट्रेडिशनल मेडिटेशन की कला को आगे बढ़ाया गया। फिर इंस्टीट्यूट जम जाने के बाद घूम घूम कर स्पीच देने का काम शुरू किया। इस बीच तमाम फेमस लोग उनके चेले हो गए, जिनमें मार्क ट्वेन की बेटी क्लारा क्लेमेंस भी थी। सातवीं बात, योगानंद पहले साधु थे जिन्होंने भारतीय योग का झंडा यूरोप में ऊंचा किया। 1920 से 1952 तक का लंबा वक्त उन्होंने अमेरिका में बिताया। वहाँ लोग इनको और इनके हुनर को पलकों पर बिठाते थे। अगली बात ये कि 1935 में घर वापसी हुई। इंडिया लौटे तो अपने इंस्टीट्यूट और गुरु के काम को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी से मिले। गांधी ने उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाया। यही वक्त था जब उनके गुरु ने उनको परमहंस की उपाधि दी थी। नवी बात ये कि एक साल तक यहाँ अलग जगाने के बाद लौट गए अमेरिका। आगे 4 साल तक यहाँ रहे। इसी दौरान किताब लिखी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। और आखिरी बात, इनकी मृत्यु का वो किस्सा जो सबसे दिलचस्प है। धार्मिक आदमी थे ही, मेडिटेशन पर बड़ी रिसर्च भी की थी, इसलिए अपनी मौत का पूर्वाभास भी उनको होने लगा था। 7 मार्च 1952 की शाम अमेरिका में भारत के राजदूत विनय रंजन सप्तनीक लॉस एंजलिस के होटल में खाने पर थे, जिसमें उनके साथ थे योगानंद। इसके बाद बाबा जी की स्पीच थी दुनिया की एकता पर। वो अपनी स्पीच दे रहे थे। लास्ट में अपनी कविता की चंद लाइनें कही, जिनमें अपने देश भारत की महिमा गान था। फिर आंखें आसमान की ओर और देह फर्श पर लुढ़क गई। जो साथी थे उन्होंने इसको महासमाधि कहा। योग भारत के लिए आरोग्य का तरीका। ज़रूरत है कि हम इसे अपनी डेली लाइफ में शामिल करें। कुछ नहीं कर सकते तो घर पर सूर्य नमस्कार ही करें। नमस्कार।